मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा ग्राम पंचायत चुनाव में पंच और सरपंच के निर्विरोध चुने जाने पर इनाम देने की घोषणा की गई थी, जिसका प्रदेश भर में सकारात्मक परिणाम देखने को मिला। प्रदेश की कई ग्राम पंचायत में सरपंच और पंच को निर्विरोध चुना गया है। ऐसा ही एक और नज़ारा देवास जिले की ग्राम पंचायत पिरपाड़िया का है, जहां न सिर्फ पंच और सरपंच निर्विरोध चुने गए बल्कि सुशीला बाई ने सरपंच के पद पर हैट्रिक भी लगाई। सीएम शिवराज सिंह चौहान की पहल लाई रंग। ग्राम पंचायत पीरपाल्या में पंच सरपंच का निर्विरोध निर्वाचन। पीरपाल्या में सुशीला बाई ने लगाई जीत की हैट्रिक। गांव के चहुमुखी विकास को बताया अपनी प्राथमिकता। दरअसल आज हम बात कर रहे हैं देवास जिले की सोनकच्छ जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत पीरपाल्या की, जहां पर महिला सरपंच सहित 16 पंच निर्विरोध चुने गए। 2009, 2015 और अब 2022 में भी जनता ने सुशीला बाई पति राजेंद्र सिंह को सरपंच बनाकर इतिहास रच दिया है। इनके सरपंच रहते हुए गांव में चहुमुखी विकास हुए हैं। इन्होंने बिजली, पानी, सड़क और आवास योजना सहित कई महत्वाकांक्षी शासकीय योजनाओं से ग्रामीणों को लाभान्वित करवाया है और इस बार भी जनता ने उन्हें मौका दिया है, इसलिए उन्होंने जनता के बीच जाकर गांव के चहुमुखी विकास का दावा किया है। वहीं शनिवार को सोनकच्छ में उन्हें जीत का सर्टिफिकेट भी भेंट किया गया। ये बताएं, आपकी जो ग्राम पंचायत पीरपाल्या है, निर्विरोध यहां पर आपको सरपंच चुना गया है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहली बात तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा ग्राम पंचायत पीरपाल्या सुरजना खल्डी के मतदाताओं को, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। किस तरीके से गाँव में विकास, हर गांव के हर वर्ग के लोगों तक नल, पानी की व्यवस्था, सड़क की व्यवस्था, हर चीज़ की व्यवस्था करवाई। ये कौन सी बार अपनी विरोध? ये तीसरी बार निर्विरोध हुई। क्या नाम आपका? अनिल चांदना। ग्राम पंचायत पीरपाल्या। जनपद पंचायत सोनकच्छ की कुल 4 ग्राम पंचायतें निर्विरोध हुई हैं, जिसमें पीरपाल्या ग्राम पंचायत लगातार तीसरी बार निर्विरोध चुनी गई है। इसमें 16 पंच हैं जो भी सभी निर्विरोध हुए हैं। इनको शासन के ग्राम पंचायत पुरस्कार योजना के तहत 7 लाख की पुरस्कार राशि प्राप्त होगी। दूसरी पंचायत हमारी पिपले बक्सू, जिसमें सरपंच निर्विरोध हुए हैं। पटाडिया ताज, इसमें भी सरपंच निर्विरोध हुए। खजूरिया कंका, इसमें भी सरपंच निर्विरोध है। इस प्रकार जनपद पंचायत सोनकच्छ की कुल 4 ग्राम पंचायतें में सरपंच निर्विरोध हुए और पीरपाल्या में सारे पंच भी निर्विरोध हैं। सुनने में आ रहा था 15 लाख? नहीं, वो उसमें ये है योजना कि उसमें सरपंच महिला हो, सारे पंच भी महिला हो। अच्छा, वो इसमें नहीं है। यहाँ 5 पुरुष हैं पंच में। ये 7 लाख गांव के विकास कार्य के लिए ये 7 लाख जो पुरस्कार प्रावधान है, ये अब शासन इनको बुला रहा है अभी 27 जून को, वहाँ शायद उनको संभावित है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंच और सरपंच निर्विरोध होने पर पंचायत को 15 लाख रुपए देने की घोषणा की थी, जिसके बाद प्रदेश की कई पंचायतों में सरपंच और पंच निर्विरोध चुने गए। नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल पर। आपकी पंचायत आपकी सरकार के तहत आज हम बात करेंगे सोनकच्छ जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत पीरपाल्या की। हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो है महिला जो है निर्विरोध सरपंच चुनी गई है। 16 पंच है, 16 पंच भी यहाँ पर निर्विरोध चुने गए हैं, जिन्हें आज सर्टिफिकेट भी दे दिया गया है। ये सबसे बड़ी बात तो प्राथमिकता ये है कि गांव के विकास पर 3 बार बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा ग्राम पंचायत पीरपाल्या सुरजना खल्डी के मतदाताओं को, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। अच्छा, ये कौन कौन से गाँव लगते हैं इस पंचायत में? पीरपाल्या, सुरजना, खल्डी। और कितने पंच हैं यहाँ पर इसमें? 16 पंच। हाँ। लगातार ये तीसरी बार आपने हैट्रिक मारी है, सरपंच जो है आप बने हैं। किस तरीके से गांव के विकास को देखते हैं, और आखिर आपने जब काम किया होगा तभी तो जनता ने आपको चुना होगा। सबसे बड़ी प्राथमिकता हमारे लिए विकास है जी। सबसे बड़ी प्राथमिकता हमारे लिए विकास है, गाँव का विकास, क्षेत्र का विकास हो सबसे बड़ी। जनता के बीच जाते हैं, क्या क्या आपके मुद्दे रहते हैं और जनता की जो समस्या रहती है किस तरीके से आप हल करते हैं? गरीबों की सेवा, नल जल योजना के तहत हर वर्ग के लोगों तक पानी पहुंचे, हर वर्ग भी सड़क की व्यवस्था, हर चीज़ की व्यवस्था हर वर्ग के लोगों तक पहुँचे। तो जिस तरीके से इन्होंने बताया है कि यहाँ की जो निर्विरोध सरपंच है सुशीला पति राजेंद्र सिंह, जिनको यहाँ की जनता ने, यहाँ के गांव के लोगों ने निर्विरोध सरपंच चुना है, अब इनका ऐसा कहना है कि जिस तरीके से इन्होंने पिछले कार्यकाल में गांव में चहुमुखी विकास करवाया है, आगे भी इसी प्रकार जो है ये विकास करवाएंगे। कैमरा पर्सन विजय के साथ राम माल्या, खबर मध्य प्रदेश।